वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। और आज की संडे टॉक की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट के साथ, क्योंकि उन लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि हम लोग उर्दू के एग्ज़ाम में लाइन छोड़ छोड़ कर लिखे या फिर बिना लाइन छोड़े लिखे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि ख़त या एप्लीकेशन में हम लोग नाम लिखें या ना लिखें, अगर लिखते हैं तो क्या नंबर कटने की संभावना है, मतलब किस तरह हम लिखें उर्दू के एग्ज़ाम में कि हम लोग का बढ़िया मार्क्स आ जाए। इस तरह बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं उन सभी कंफ्यूजन को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। उन सारे टॉपिक को मैं आप लोगों को बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मतलब कौन कौन से स्टूडेंट गलती करते हैं कि उनका नंबर कट जाता है। ठीक है, बहुत सारे देखिए उर्दू का लिखने का तरीका अलग होता है ना, जैसे कि हिंदी लिखते हैं आप लोग, इंग्लिश लिखते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन उर्दू का तरीका अलग होता है। उसको हम लोग दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद से इसी में स्टूडेंट बहुत सारी गलती कर देते हैं, जाकर सेंटर पर गलत सही किसी तरह लिख कर चले आते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर कट जाता है। तो उन सारे गलतियों को मैं आज बताऊँगी और मैं बताऊँगी क्या 100% सही तरीका है उर्दू के एग्ज़ाम में लिखने का। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि लाइन छोड़कर लिखना चाहिए या फिर बिना लाइन छोड़े लिखना चाहिए। तो देखिए, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आप लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। अगर आप लोग की उर्दू की हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत है, दी बेस्ट है, तो आप लोग बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं, बिना गैपिंग के लिख सकते हैं, क्योंकि जिनका खूबसूरत हैंडराइटिंग होता है ना, वो छोटे छोटे लफ्ज़ों में छोटे छोटे लफ्ज़ों को सजा कर लिखते हैं, और वो बिना गैपिंग के लिखेंगे ना तो उनका हैंडराइटिंग और भी खूबसूरत होगा और अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बिना गैपिंग दिए बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं, और आप लोग चाहे आप पर डिपेंड करता है, लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट की मतलब हैंडराइटिंग खास नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है, और उनका फॉन्ट बड़ा है, उनकी हैंडराइटिंग जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है, लफ्ज़ों को थोड़ा बड़ा बड़ा कर कर लिखते हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लाइन छोड़ कर ही लिखे तो बेहतर है, गैपिंग देकर लिखे तो अच्छा रहेगा उनके लिए, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखते हैं ना, तो लाइन छोड़कर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, उस तरह साफ साफ लफ्ज़ दिखाई देगा। तो इस चीज़ का तो आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब सुनिए, जब आप लोग जाएंगे सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए और वहाँ पर आप लोगों को जब आंसर सीट मिलेगा, जिसमें आप लोगों को आंसर लिखना होता है, जब वो मिलेगा तो वहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना होता है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर पेज ले ली हूँ, बीच पेज आप लोगों को समझाने के लिए, मान लीजिए ये आंसर सीट है, अब इसको आप रियल वाला नहीं समझिएगा, तो मतलब ये एक नमूना है आप लोगों के लिए, आप मैं समझाने के लिए समझ लीजिए इसको, ये क्या है, आंसर सीट है, इमेजिन कर लीजिए कि आप लोगों का आंसर सीट है। तो जब आप लोगों को आंसर सीट मिलेगा तो आप लोगों को सबसे पहले उसको फोर फोल्ड करना होता है, यानी कि चार बार मोड़ना पड़ता है। देखिए कैसे, इस तरह आप लोगों का है ना आंसर सीट, उसके बाद से आप लोगों को डबल फोल्ड करना है। देखिए ये डबल फोल्ड हो गया इसी तरह, बिल्कुल ये कोना और ये कोना आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, और इसको डबल फोल्ड कर दिए। देखिए इस तरह कर कर अच्छे तरीके से डबल फोल्ड हो गए, तो ये हो गया आप लोग का डबल फोल्ड। अब इसको फोर फोल्ड करना है, चार बार मोड़ना है, तो एक बार और इस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का फोर फोल्ड, और इस तरह कर कर आप लोग को अच्छे तरीके से इसको मोड़ देना है, ठीक है, तो ये हो गया फोर फोल्ड। इसी तरह आप लोगों को आंसर सीट को भी फोर फोल्ड करना होगा, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो पतला है तो फोर फोल्ड हो गया आसानी से ना, ये पतला है इसीलिए तो फोर फोल्ड हो गया, लेकिन आप लोगों को जो आंसर सीट मिलता है ना वो मोटा होता है, मोटा कॉपी होता है, ठीक है, और उसको फोर फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए इस तरह आप लोगों को जो आंसर सीट मिलेगा वो मोटा रहेगा, तो डबल फोल्ड तो आसानी से कर पाएंगे, इस तरह डबल फोल्ड कर पाएंगे, लेकिन फोर फोल्ड इस तरह आप नहीं कर सकते हैं जो आप लोगों को आंसर सीट मिलेगा उसको। देखिए अब उसको मैं बता दूँ कैसे करेंगे फोर फोल्ड, पहले तो आप डबल फोल्ड कर लेंगे आसानी से उस आंसर सीट का, उसके बाद से इसको ऐसे खोल लेना है, ठीक है, खोलने के बाद आप लोगों को ये जो बीच वाला डबल फोल्ड वाला लाइन आप लोगों को दिखाई देगा, इसको ये वाले किनारे को ले जाकर इसी में मिला देंगे ऐसे। देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख पा रहा है, बताइएगा ज़रूर कमेंट में। देखिए इस तरह करके और इस तरह लाइन मिला लेंगे, ये जो लाइन मैं डबल फोल्ड की थी उसी लाइन में ये वाला कोर मिला लेना है, ठीक है, और इस तरह कर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे खींच देंगे, और ये हो गया आप लोगों का ट्रिपल फोल्ड, ये हो गया, और फिर इधर से आप लोग क्या करेंगे, इस ये वाले कोने को इस लाइन में मिला लेंगे, ठीक है, जो बीच से आप लोग मोड़े हैं, देखिए ये इस तरह कर देंगे, तो ये हो गया आप लोगों का, तो ये हो गया आप लोगों का फोर फोल्ड, एक दो तीन चार, आप लोग इस आंसर सीट को चार हिस्सों में बांट दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि जब उनको आंसर सीट मिलता है तो वो इस तरह चार हिस्सों में नहीं मोड़ते हैं,
एंसर सीट को अपने। दूसरी गलती ये करते हैं कि जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पर ये पिंक कलर का लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर भी दिख रहा है और देखिए यहाँ पर भी ये पिंक कलर का लाइन। तो जिस भी नंबर का वो आंसर लिखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन का उनको जवाब लिखना है, आंसर लिखना है, तो इसी को लाइन मान लेते हैं जो पिंक कलर का लाइन दिया है और यहाँ पर लिख देते हैं एक का जवाब, ठीक है, और इसी को लाइन मानकर यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ से लिखते हैं, फिर यहाँ से इसको लाइन मानकर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल 100% रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, ये चार हिस्सों में इसलिए बांटा जाता है, ये पेपर को चार हिस्सों में क्यों बांटा गया है, देख रहे हैं, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, ठीक है, ये चार हिस्सों में इसलिए बांटा जाता है ताकि ये जो पहला वाला हिस्सा है एक हिस्से में आप लोग नंबरिंग करें, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग देना चाहते हैं, और बाकी तीन हिस्से में आप लोग जवाब लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दो नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम है, तो यहाँ पर लिखें कि सवाल नंबर, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दो का जवाब, ठीक है, इस तरह लिखें, ठीक है, और यहाँ से आप लोग आंसर लिखना शुरू करें, ठीक है। एक एक हिस्से में ध्यान रखिएगा, पहले वाले हिस्से में नंबरिंग किया जाता है कि कितना नंबर का आप आंसर दे रहे हैं, तो दो नंबर का दे रहे हैं तो लिख दीजिए सवाल नंबर दो और फिर जवाब, और बाकी ये तीन हिस्से में जवाब लिखना शुरू कीजिए, तीन हिस्से, बाकी के तीन हिस्से में जवाब लिखा जाता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह लिखेंगे सवाल नंबर दो या फिर सवाल नंबर दो का जवाब, इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट दो और का जवाब, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पास से दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, दिखाई दे रहा है सवाल नंबर दो का जवाब, इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर दो लिखकर जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को दो का आंसर नहीं मालूम है, तीन चार जो भी नंबर का आंसर आप लोगों को मालूम है तो उतना नंबरिंग दे सकते हैं, सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर चार, और फिर जवाब लिखकर आप लोग इस तरह लिखना शुरू कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप लोगों को पाँच नंबर का आंसर मालूम है तो यहाँ पर पाँच नंबर लिख दीजिएगा और यहाँ पर जवाब लिखना, और बाकी के ये तीन हिस्से में आप लोग जवाब लिखना शुरू करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन पेपर पर कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम है, कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, आप जानते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद है मालूम है उसको सबसे पहले लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दो तीन वन बाई वन कर ही लिखें। आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन का आंसर नहीं मालूम है, टू का आंसर मालूम है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए सवाल नंबर दो का जवाब, बात खत्म। ज़रूरी नहीं है कि एक का ही लिखेंगे, ठीक है, इस तरह कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर जो भी आप लोगों को क्वेश्चन, जितना भी नंबर का क्वेश्चन याद है, सवाल नंबर चार का याद है, एक का नहीं मालूम है, दो का नहीं मालूम है, तीन का भी नहीं मालूम है, चार नंबर सवाल का जवाब मालूम है ना, तो लिख दीजिए चार और फिर जवाब और उसका मतलब आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह होता है, जो आप लोगों को सबसे पहले आंसर मालूम हो उसको लिखिए। अब देखिए सवाल इस तरह से भी पूछता है, मान लीजिए चार नंबर सवाल दिया है, सवाल नंबर चार पूछा है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन दिया है, और पूछा है सवाल नंबर चार में कि दर्जेल में से किसी पांच का जवाब देना है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन दिया है और उस 10 में से किसी पांच का आप लोग का आंसर देना है और ए बी सी डी कर क्वेश्चन दिया है, तो अब उसमें का आप मान लीजिए जवाब देना है तो उसमें कैसे देंगे। देखिए मान लीजिए चार नंबर के क्वेश्चन का ए नंबर आप लोगों को मालूम है, तो ये देखिए चार लिख दीजिए और फिर ए दे दीजिए और फिर जवाब दे दीजिए, यानी कि चार नंबर के क्वेश्चन का ए का जवाब है, चार नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है ए बी सी डी कर चार नंबर के क्वेश्चन में का ए नंबर के क्वेश्चन का जवाब मुझे मालूम है और मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से आप लोग जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसी तरह लिखा जाता है, चार नंबर क्वेश्चन पूछा है ए बी सी डी कर 10 और उसमें से मान लीजिए एक नंबर का आप लोगों को मालूम है, चार का ए आप लोगों का आंसर मालूम है, तो चार दे देना है और ए दे देना है और फिर जवाब लिख देना है और यहाँ से आप लोगों को लिखते चलना है बाकी के तीन हिस्सों में, ठीक है। और मान लीजिए बी नहीं मालूम है, चार का बी आप लोगों को आंसर नहीं मालूम है, सी मालूम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सी दे दीजिए, ठीक है, सी का जवाब, सी का जवाब हो गया। अब जरूरी नहीं है कि फिर आप यहाँ पर चार लिखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आप चार लिख दिए हैं ना, चार का ए का आंसर आप दिए हैं, चार का अब भी नहीं मालूम है, सी का आंसर दे दीजिए, अब यहाँ पर चार लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन बना दिए, मान लीजिए छः नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए, यहाँ पर आंसर जवाब लिख दिए हैं, छः नंबर का यहाँ पर जवाब लिख दिए हैं, ठीक है, और फिर आप लोगों को याद आया कि चार नंबर का मुझे डी नंबर तो याद ही है, चार का ए और सी बनाए हैं और ए और सी बनाने के बाद आज छः नंबर का आंसर आप लोग लिख दिए हैं यहाँ पर, और फिर आप लोगों को याद आया कि मुझे चार नंबर का डी मतलब मालूम है उसका आंसर, तो फिर अब यहाँ से आप चाहते हैं कि चार नंबर का डी मैं आंसर लिखूँ तो लिख दीजिए, अब यहाँ पर आप लोग को चार लिखना पड़ेगा, चार और का कितना का डी, डी का जवाब, ठीक है, और फिर यहाँ पर डी नंबर का जवाब लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से लिखना होता है, आप लोग एक बार पास से देख लीजिए, चार का
ए आप लोगों को मालूम है तो ए लिख दीजिए, सी मालूम है तो आप लोग सी लिख दीजिए। यहाँ पर नंबर देना ज़रूरी नहीं है चार नंबर, लेकिन चार के बाद अगर आप छः बना दिए हैं और छः का जवाब लिख दिए हैं, अब उसके बाद आप चाहते हैं कि चार का आप डी बनाएं, तो अब यहाँ पर आप लोगों को चार नंबर लिखना पड़ेगा और फिर डी का जवाब लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों को देना लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आप लोगों के इस चीज़ का कन्फ्यूज़न ख़त्म। अब देखिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इस चीज़ को लेकर कि क्या ख़त या फिर एप्लीकेशन में हम लोग अपना नाम लिख सकते हैं या फिर अपना एड्रेस दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो क्या नंबर कटने की संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में पूछे थे। तो देखिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेशन और ख़त लिखना बता चुकी हूँ। आप लोग जाएंगे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, उर्दू ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट सेव, वहाँ पर मैं सब कुछ बताई हूँ, 100% सही तरीका बताई हूँ कि किस तरह उर्दू में ख़त लिखा जाता है, किस तरह उर्दू में एप्लीकेशन यानी कि आवेदन लिखा जाता है, दरख्वास्त लिखी जाती है, सारा चीज़ मैं वहाँ पर बताई हूँ। और ये चीज़ भी मैं बताई हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर बैठ कर लिख रहे हैं दरख्वास्त या फिर ख़त लिख रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को अपना नाम नहीं लिखना होता है। अपने नाम की जगह आप अलिफ बे जिम डाल दीजिएगा। शहर का नाम देना है तो शहर के नाम की जगह दूसरा कुछ ए बी सी डी डाल दीजिएगा, लेकिन आप लोगों को अपना नाम नहीं डालना है। और अगर आप लिख देते भी अपना नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मतलब सबसे मतलब 100% सही तरीका यही होता है कि आप अपना नाम ना लिखें एप्लीकेशन या दरख्वास्त में, ठीक है। अपने नाम की जगह अलिफ बे जिम या फिर ए बी सी डी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न ख़त्म होता है। अब एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आप जाए सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए, शांति से जाए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप लोग जाए और वहाँ पर अपने सीट को ढूंढ कर बैठे और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको लेकर शांति से जो भी उनमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है। कोई भी घबराहट नहीं, कोई भी मतलब हड़बड़ी नहीं है, आप लोग आराम से 15 मिनट आप लोगों को मिलता है। देखते हैं, आप क्वेश्चन पेपर लिखता है 3 घंटा 15 मिनट, तो 15 मिनट किस लिए दिया जाता है? आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में जितना भी हिदायत दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको पढ़ने के लिए ही 15 मिनट दिया जाता है। तो आराम से आप लोग कोई बिना हड़बड़ी के शांति से बैठकर आप लोग उस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, क्योंकि उसमें दिया रहता है ना कि क्वेश्चन पेपर में कितने खंडों में बांटकर क्वेश्चन को पूछा गया है। खंड ए में ऑब्जेक्टिव है, खंड बी में सब्जेक्टिव है, और कौन से क्वेश्चन पर कितना मार्क्स का नंबर मिला है आप लोग को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो चाहे वो 10th क्लास वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th क्लास वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग जाइए आराम से बिना हड़बड़ी के, शांति से एग्ज़ाम दीजिए। और जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताई हूँ और बताती आई हूँ और अभी भी बता रही हूँ, उस पर आप लोग 100% खड़े उतर जाएंगे ना, तो मैं समझूंगी कि यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू अचीव 100 out of 100 marks इन योर उर्दू एग्जामिनेशन, ठीक है। आप बिल्कुल तैयार हैं अपने उर्दू एग्ज़ाम में 100 में से 100 marks लाने के लिए। बस जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताई हूँ और बता भी रही हूँ, उन सभी आप उन जितना भी मैं टिप्स बताई हूँ सभी पर आप लोगों को फोकस करना है और 100% खड़ा उतरना है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रही हूँ अंतिम बार, जितने भी 10th क्लास वाले स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को सारे बुक के उर्दू के बुक का ऑल चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ और जितना भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ, आप लोग उन सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कमांड कर लेना है, उसको जितना बार हो सके उतना बार देखिए, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चन पर पकड़ हो कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 12th क्लास वाले आप लोगों के लिए भी मैं वही बोलूँगी कि मैं जो आप लोगों को VBI ऑब्जेक्टिव और VBI सब्जेक्टिव रिसेंटली वीडियो अपलोड की हूँ, वो आप लोगों को देखना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा उसको देखिए, ठीक है, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप लोगों को मालूम चले कि किस तरह से एग्ज़ाम में किस तरह घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन पर पकड़ हो। और यहाँ तक कि 12th क्लास वाले स्टूडेंट, आप लोगों का भी तो उर्दू का मैं ऑल चैप्टर पढ़ा ही चुकी हूँ, लगभग चैप्टर को कंप्लीट करा चुकी हूँ, कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग VBI ऑब्जेक्टिव और VBI सब्जेक्टिव को देखते रहिए, इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन पर पकड़ होगा। तो और इस वीडियो में जो कुछ भी बताई हूँ कि किस तरह से आप लोगों को आंसर शीट में लिखना है, वो सारी चीज़ें आप लोग फॉलो कर देते हैं 100%, तो बिल्कुल आप तैयार हैं अपने एग्ज़ाम में 100 out of 100 marks लाने के लिए उर्दू में। तो यही सारी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बनाई थी। आई थिंक आप लोगों का ऑल कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो अभी भी, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं समझाई समझ में आया तो लाइक शेयर तो बनता है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट के, ताकि सभी स्टूडेंट को ये मालूम चले कि कैसे एग्ज़ाम में वाकई में लिखा जाता है, कैसे आंसर को आंसर शीट में लिखा जाता है। हर स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।